हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सीजन। आइए ये जानें कि हम सीजन को हिंदी में क्या कहते हैं। सीजन को हिंदी में मौसम या ऋतु कहते हैं। क्या आपको पता है सीजन कितने होते हैं? हमारे भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। सबसे पहले स्प्रिंग सीजन आता है, यानी वसंत ऋतु। वसंत ऋतु मार्च से अप्रैल तक होती है। इस ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और पेड़ों पर नई नई पत्तियां आती हैं और मौसम बड़ा सुहावना होता है। इसके बाद समर सीजन आता है, यानी गर्मी। गर्मी को हम ग्रीष्म ऋतु के नाम से भी जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु मई से जून तक होती है। गर्मियों के दिनों में हम सूती कपड़े पहनते हैं, बहुत तेज धूप निकलती है। इस मौसम में सभी ठंडी चीजें खाना पसंद करते हैं, जैसे आइसक्रीम, जूस आदि। समर सीजन के बाद आता है रेनी सीजन, यानी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जुलाई से अगस्त तक होती है। रेनी सीजन में हम अम्ब्रेला और रेनकोट यूज करते हैं। वर्षा ऋतु के बाद ऑटम सीजन आता है, यानी शरद ऋतु। शरद ऋतु सितंबर से अक्टूबर तक होती है। इस ऋतु में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। शरद ऋतु के बाद आता है प्री विंटर सीजन, यानी हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु नवंबर से मिड दिसंबर तक होती है। हेमंत ऋतु में हल्की ठंड होती है। हेमंत ऋतु के बाद विंटर सीजन आता है, यानी शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु एंड दिसंबर से फरवरी तक होती है। इस ऋतु में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। शिशिर ऋतु में हम गर्म चीजें खाते हैं, जैसे चाय, पकोड़े आदि। तो बच्चों, अब आपको ऋतुओं के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद।